बच्चों, यहाँ हम लोग इंडियन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, भारत के जंगलों के बारे में। आपको पता है कि जंगलों में बहुत सारे तरह के वृक्ष, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, क्रीपर्स उगते हैं और वाइल्ड लाइफ भी रहते हैं। वहां पर ये प्राकृतिक रूप से उगते हैं, उसकी देखभाल करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, तो जंगलों के प्रकार। भारत में जो जंगल पाए जाते हैं वो डिपेंड करेगा कि कैसी मिट्टी है, कैसा तापमान है, वर्षा कैसी है और बाकी कंडीशन कैसे हैं, उसके हिसाब से फॉरेस्ट अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के उगते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं सदाबहार वन। दूसरा है डेसिडुअस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन, ऐसे वन जिनमें वो वृक्ष उगते हैं जो वर्ष में किसी ना किसी दौरान अपने सभी पत्तों को गिरा देंगे, चाहे एक्सेसिव गर्मी से बचने के लिए, चाहे एक्सेसिव ठंड से बचने के लिए, या चाहे और किसी रीजन से। थॉर्नी फॉरेस्ट, कांटेदार जंगल, ये कहाँ होंगे? डेजर्ट वाले इलाकों में जहां बारिश की कमी है, पानी कम है। और इसमें कौन से वृक्ष उगेंगे? तो कैक्टस, बबूल, कीकड़, ऐसे। कोनिफेरस फॉरेस्ट, जो शंकुधार शंकु रूपी पत्तों वाले जो वन वन होते हैं, जिसमें ओक, देवदार, पाइन के ट्रीज उगेंगे। और टाइडल फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट कहाँ होंगे? समुद्र के बगल में, कोस्टल एरियाज में, जैसे कि सुंदरवन का डेल्टा, नाम ही है सुंदरवन, सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, जो एक टाइप का मैंग्रोव है, जिसमें फेमस रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। आइए इनके बारे में इन डिटेल्स पढ़ते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। एज द नेम सजेस्ट, दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। और जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि इसके इस वन में जो वृक्ष होंगे वो सालों भर हरे भरे रहेंगे। द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट नेवर शेड देयर लीव्स फुली, पेड़ के कुछ पत्ते जो पीले हो गए वो तो गिर गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पूरे पेड़ के सारे पत्ते एक साथ झड़ गए हों। सो दे ऑलवेज लुक ग्रीन, इसलिए ये हमेशा सदाबहार हरे भरे नजर आते हैं। और इसमें उगने वाले पेड़ कौन कौन से हैं? इबोनी, महागोनी, रोजवुड, ये सारी सख्त लकड़ियों वाले पेड़ हैं जिनका फर्नीचर बनता है, नावें बनती हैं और भी बहुत तरह की चीजें बनती हैं। दे आर टॉल ट्रीज विथ हार्ड एंड वेल्युएबल वुड, लंबे वृक्ष होंगे और जिनकी लकड़ियां जो होंगी वो बहुत मूल्यवान होती हैं, बहुत कीमती होती हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड अंडमान एंड निकोबार आईलैंड। और ये वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और अंडमान और निकोबार आईलैंड में पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल देखिए, देख रहे हैं, देख करके मन एकदम से बिल्कुल खुश हो जा रहा है, बिल्कुल हरा भरा सदाबहार सा कैनोपी ऑफ ट्रीज। हाँ, जो पेड़ ने जितना एरिया कवर कर रखा है और जो शेड बना रहा है, देख के ही मन लग रहा है कि काश यहीं पे रह पाते। ये देखिए इबोनी का ट्री है, ये महोगनी का ट्री है, देखिए पेड़ कितना लंबा है, एकदम से यहाँ तक बिल्कुल एक नंबर टिम्बर बनेगा। आप चर्च का गेट बना सकते हो, फर्नीचर बना सकते हो, वैसे हमेशा पेड़ काट के ही नहीं, आज की डेट में तो आपको दूसरा ही विकल्प यूज करो, वही ज्यादा बढ़िया है। ये रोजवुड का ट्री है, डेसिडुअस ट्री, पर्णपाती वन। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन द समर, गर्मियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं। सीजन टू सेव वाटर, ताकि पानी की कमी से बचा जा सके। दे आर कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। द ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर टीक, साल, सैंडलवुड, चंदन, सीसम। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज एंड साउदर्न प्लेच्यू, हिमालय की जो तराई वाले इलाके हैं वहां पर और साउदर्न प्लेच्यू में आपको मिलेंगे। ये देखिए डेसिडुअस ट्री, पेड़ के पत्ते पीले हो रखे हैं और ये देखिए नीचे कितने गिरे हुए भी हैं, है ना। ये देखिए ये टीक का पेड़ है, नीचे ये साल का पेड़ है और ये जो है ये सैंडलवुड का है, चंदन की लकड़ियां हैं। कॉनिफेरस ट्री, शंकुधारी वन, ऑल्सो नोन एज माउंटेन फॉरेस्ट, फाउंड इन हायर हिमालयास, टॉल एंड पॉइंटेड ट्रीज विथ थिक नीडल शेप्ड लीव्स। पेड़ जो है लंबे होते हैं, नुकीले से होते हैं और पत्ते भी जो होते हैं वो कांटे जैसे होते हैं, ताकि हवा से पड़ने वाला प्रेशर को मिनिमाइज किया जा सके और अगर कभी बर्फ भी गिरे तो उससे भी बचाव हो सके।
देवियर वुडन फ्लावर कॉल्ड कोन्स, और इनके जो फूल भी होते हैं वो लगते हैं कि लकड़ी जैसे हैं और उनको कोन कहते हैं। आप लोग तो पाइन कोन कभी कभी लाए भी होंगे, आप में से कभी बहुत सारे लोग गए होंगे घूमने के लिए, मशहूरी, नैनीताल, देहरादून, शिमला, कुछ लोग वैष्णो देवी, तो वहां तो ये चीज कॉमन है, आपने देखा होगा। देवदार, बर्च, फर, पाइन, स्प्रूस, ये सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए इनके फोटो भी देखते हैं। ये देखिए इनका कौनसा है, अलग अलग पेड़ों का, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, सजावट के लिए तो लग रहा है बिल्कुल खिला हुआ गुलाब जैसा है ना, और पानी में डालोगे तो सिकुड़ जाएगा। ये देखो कौनसा लटका हुआ है पाइन का, ये है ना, यही पक करके गिरेगा। कोनिफेरस फॉरेस्ट का, ये देखो सामने पहाड़ की चोटी है और यहाँ कोनिफेरस फॉरेस्ट उग रखा है। ये देखो चीड़ का पेड़ है, पाइन ट्री जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर स्प्रूस देख लो, यहाँ पर फर का पेड़ देख लो, थॉर्न फॉरेस्ट, कांटेदार वन। थॉर्नी फॉरेस्ट हैव ट्रीज विथ मोर थॉर्न्स एंड स्पाइन्स एंड लेस लीव्स, ज्यादा कांटे होंगे, पत्तियां कम होंगी। दे हैव लॉन्ग रूट्स, जड़ें बहुत लंबी हैं ताकि जमीन के अंदर से पानी खींच करके निकाल सके, तभी तो सरवाइव करोगे, वहां गर्मी है ना के बराबर बारिश है। दे हैव थिक बार्क्स, पेड़ की जो छाल है वो बहुत मोटी है ताकि वाटर का लॉस प्रिवेंट किया जा सके, ट्रांसपायरेशन कम से कम हो। एंड स्मॉल लीव्स, छोटी पत्तियां हैं। दिस ट्रीज कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स, और बहुत दिनों तक अगर पानी की कमी हो गई तो भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विद स्कैंटी रेनफॉल, ऐसी जगहों पे जहां पर कम बारिश हो, स्कैंटी लेस, मीजर है ना, प्लेंटीफुल का अपोजिट, जैसे कि राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और पंजाब के कुछ हिस्सों में। दिस फॉरेस्ट कंजिस्ट ऑफ बबूल, कीकड़, कैक्टी एंड थॉर्नी, और एक और का नाम तो इन्होंने छोड़ ही दिया, खेजड़ी बोलते हैं। ये देखो कांटेदार पेड़, थार डेजर्ट का दिखा रहा है राजस्थान का, है ना। ये देखो कैक्टस उगा हुआ है, बबूल कीकड़ का पेड़ उगा हुआ है, ये देखो कैक्टस में प्रिकली पियर उग रखे हैं। टाइडल फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट और मैंग्रोव्स आर मोस्टली फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी रिवर, महानदी और गोदावरी। गंगा नदी के टाइडल एरिया में जहां पर डिपॉजिट करेगी, ब्रह्मपुत्र, महानदी और गोदावरी। सिंस द एरिया इज मार्शी, इलाका जो है दलदली है, एंड फ्लडेड ऑल द टाइम, और हमेशा कीचड़ से दबा हुआ है, सो द रूट्स ऑफ द मैंग्रोव्स कम आउट ऑफ द सॉइल टू ब्रेथ, इसलिए पौधों की जड़ें जो है जमीन के अंदर तो जाती हैं, कुछ जड़ें जमीन के बाहर भी आ जाती हैं ताकि सांस ले सके। क्यों? क्योंकि हमेशा दलदल होने की वजह से सॉइल इज डिफिशियंट इन एयर, क्योंकि वहां के मिट्टी में हवा कम है। दे आर नोन एज ब्रेथिंग रूट्स, और वो जड़ें ब्रेथिंग रूट कहलाती हैं। द ट्री कॉल्ड सुंदरी ग्रोज इन सुंदरबंस, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ये देखो टाइडल फॉरेस्ट का एग्जाम्पल, ये देख रहे हो, ये बाहर में निकला हुआ है ब्रेदिंग रूट है ना। ये देखो सुंदरी पेड़ है, ये देखो यहाँ निकला हुआ है ब्रेदिंग रूट सारा। वाइल्ड लाइफ का तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, थैंक यू।